जनपद संभल की चंदौसी में युवा सपा नेत्री ने गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क करके अधिक से अधिक संख्या में कल होने वाली किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने की अपील की। आज समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने आज 31 चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेथरा व रामगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसान ट्रैक्टर यात्रा के लिए अधिक से अधिक संख्या में किसानों के समर्थन में चंदौसी तहसील स्तर पर पहुँचने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ में बदन सिंह प्रजापति, रामेश्वर मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, मुकेश मौर्य, गंगा साहेब मौर्य, ब्रजेश कुमार मौर्य, तुलसीराम, अशोक राणा, तालिब खान, रऊफ खान, मनीष यादव व हसरत खान उपस्थित रहे। तकीर जी, आप और मोनी कुमारी जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है हमारा, कल चंदौसी में गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तहसील पर तिरंगा फहराएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता सब किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे। किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसानों का समर्थन करते हैं। तिरंगा कल तहसील चंदौसी पर फहराएंगे, ट्रैक्टरों से जाएंगे और जो रोकेगा उसे भी देखा जाएगा, लेकिन हमें हर कीमत चंदौसी तहसील पर जाकर तिरंगा फहराना है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है। भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे लोग हैं, इन्होंने बहका दिया केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब हमारा युवा किसान जागरूक हो गया है। इन भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे लोग हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। हमें उम्मीद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के हक में आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। वो किसानों के नेता हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने घोषणा पत्र में भी, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपनी आशा के साथ कह रहा हूं कि किसानों का जो बिजली का बिल है, गांवों में किसान मजदूर कितना परेशान है, वो किसानों का बिल, मजदूरों का बिल वापस करने का काम करेंगे। महिलाओं को 60 साल नहीं मिलती, वो 60 साल भी दिलाने का काम करेंगे। मोनी कुमारी लगातार संघर्ष करती रहेंगी, वो जनता में जाएंगी, महिलाओं के साथ हैं और रहेंगी, महिलाओं को सुरक्षा दिलवाने का भी काम करेंगी। आने वाली हमें उम्मीद है 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो किसानों का बिल माफ़ करेंगे, गरीबों का बिल माफ़ करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे और अगले 5 साल में बिजली फ्री भी चलाएंगे। ये मुझे उम्मीद है, मैं अपनी आशा के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ें जरूर रखेंगे। वो किसानों के नेता हैं, वो गरीबों के नेता हैं, वो मजदूरों के नेता हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।